नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हम हैं भारत के कर्नाटक राज्य में और कर्नाटक के मैसूर शहर में हम लोग रुके हुए हैं। तो अभी मैं आया हूँ मैसूर पैलेस घूमने के लिए। ये भारत का सबसे शाही महल है। आज हम चलेंगे इस महल के अंदर। इस महल के तीन एंट्री गेट हैं। मैं जिधर खड़ा हूँ मेरे ठीक सामने ही उधर इसका मेन गेट है जो अभी बंद है, जिससे एंट्री नहीं मिलती है। एक गेट इसका इधर है और एक गेट इसका एक साइड है। तो हमने अभी एंट्री इधर से ली थी। इसकी जो हिस्ट्री है वो भी हम आपको बताएंगे। कोशिश करेंगे अगर कोई हिंदी गाइड मिल जाता है तो उससे इसकी हिस्ट्री जानेंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। अंदर से आज देखेंगे कि जो भारत का सबसे शाही महल है ना, वो अंदर से कैसा दिखता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ताजमहल को देखने के बाद दूसरा ये पैलेस है जो सबसे ज़्यादा मतलब देखा जाता है, सबसे ज़्यादा सैलानी यहीं पर आते हैं। चलते हैं आज अंदर और अंदर से आपको ये पूरा पैलेस दिखाएंगे। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बिनोमो के बारे में। बिनोमो एक हॉनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है जिसमें आप एडिशनल इनकम कर सकते हो और डेली का छोटा मोटा खर्चा आसानी से निकाल सकते हो। इंडिया में 2 मिलियन लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप असेस्ट सिलेक्ट कर सकते हो और अमाउंट पर जाकर आप अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसमें 350 रुपये सिलेक्ट किए हैं। इसके बाद मुझे देखना होगा कि जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा या नीचे। मुझे लग रहा है कि ग्राफ है ऊपर जाएगा और मैंने इस पे 350 रुपये लगा दिए हैं। देखो ग्राफ ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा और ये मैं जीत गया 650 रुपये। अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें एक एजुकेशन का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप लोग सीख सकते हो। और मेरा प्रोमो कोड यूज करने पर आपको मिलेगा 350 का डबल यानी 700 रुपये। और अपनी इनकम को आप आसानी से पेटीएम के थ्रू विड्रॉल कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करने पर आपको मिलेगा 65,000 रुपये का डेमो अकाउंट में, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बिनोमो ऐप को डाउनलोड करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो। दोस्तों, इस महल को अंबा विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर महल को कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ ने 1897 ईस्वी में बनवाया था। उस समय इसे चंदन की लकड़ियों से बनाया गया था, पर एक दुर्घटना में यह क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद यहाँ पर दूसरा महल बनवाया गया। दूसरा महल 1912 में बनाया गया था। दोस्तों, उस समय इस महल को बनाने में लगभग 42 लाख रुपए खर्च हुए थे। मैसूर महल 245 फीट लंबा और 156 फीट चौड़ा है। इसके भीतर बनी हुई सोने की गुम्बद जमीन से 145 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे जगमगाने के लिए इसमें कुल 97,000 बल्ब लगे हुए हैं। दोस्तों, इस महल के ऊपरी भाग पर स्थित गुम्बद गुलाबी रंग के स्लेटी पत्थरों से बनाई गई हैं। महल के भीतर एक बड़ा सा दुर्ग है जिसकी गुम्बद सोने के पत्थरों से सजी हुई है। राजभवन प्रवेश के लिए रास्ता। अभी हम लोग मतलब प्रवेश करने वाले हैं जो राजमहल है उसके अंदर। आ जाओ। दोस्तों, मैं कई महलों में गया हुआ हूँ, लेकिन किसी भी महल में आपको मतलब चप्पल जूते निकालने की जरूरत नहीं है। ये महल पहली बार मैंने ऐसा देखा है जिसमें चप्पल जूते इधर ही जमा हो जाते हैं, यानी चप्पल जूते निकाल के आप अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे स्टैंड बना हुआ है जहाँ पे हम अभी अपने जूतों को निकाल देते हैं, फिर इसके अंदर चलते हैं। अभी हमने मतलब एंट्री ले ली है। यहाँ से एंट्री लेते हैं, देखो लोग इधर से आ रहे हैं। और एंट्री लेते ही यहाँ पे तोपें रखी हुई हैं। ये जो तोपें हैं ये लड़ाई के काम में नहीं आती थी, ये तोप सिर्फ सलामी देने के लिए है। यहाँ पे कुछ नक्शा वगैरह लगे हुए हैं, जैसे मैसूर पैलेस का नक्शा है उधर, और भी कई नक्शे यहाँ पे हैं मंदिर वगैरह के। और इसकी नक्काशी आप लोग देखिए कितनी मस्त वाली नक्काशी है, बहुत ही गजब। दोस्तों, यहाँ पे ये जो तोपें रखी हुई हैं, इन तोपों को दशहरे के शुरू और समाप्त होने पर दागा जाता है। दोस्तों, ये जो जगह है ये मैसूर पैलेस का कल्याण मंडप है। कल्याण मंडप को मैरिज हॉल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे ये जो पिलर है ना,
इन पिलर के ऊपर जो आप लोगों को सोने की तरह की जो परत दिख रही है, ये रियल में सोने से ही बनाई गई है और काफ़ी खूबसूरत ये मंडप बना हुआ है। इसके बीच में जगह छोड़ी गई है और ऊपर से ये पूरा मंडप के जैसा ही दिखता है, बहुत ही खूबसूरत है। अब ये जो दीवार है ना, इस पे पेंटिंग बनी हुई है जो आप लोग देख सकते हैं, और ये देखो ये बाहर का नज़ारा है, मैसूर पैलेस के बाहर का नज़ारा है जहाँ पे दशहरे के अवसर पे ये लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे तरह तरह की पेंटिंग बनी हुई है। ये देखो कितना अच्छा गेट है, ये लकड़ी का है, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे जो राज घराने के लोग हैं यानी जो रॉयल फैमिली है उसके फ़ोटो वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पिक्चर ऑफ द रॉयल फैमिली, यानी रॉयल फैमिली के जो लोग हैं उनके कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगे हुए हैं। दोस्तों ये है गोल्डन हौदा। ये जो हौदा होता है ये मतलब जो हाथी होता है, हाथी के ऊपर रखा जाता है जिस पर राजा बैठते हैं, तो इसका जो वज़न है 750 किलोग्राम मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही हैवी है ये। मनीष क्या गजब की पेंटिंग की गई है, वाह। इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, ये यहाँ पे लगा रखा है, यहीं से देख सकते हो आप, अंदर से नहीं जा सकते, अंदर छू नहीं सकते। मैसूर पैलेस का ये वाला जो हिस्सा है इसको अम्बा विलास बोलते हैं। अम्बा विलास मैसूर पैलेस का एक मुख्य भाग है। इस भाग में पत्थरों के ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है, यही कारण है कि इस पैलेस के यहाँ पर सबसे अधिक लोगों की जमाव देखी जाती है। अम्बा विलास देखने में काफी ज्यादा आकर्षित लगता है। यहाँ से सामने का व्यू दिख रहा है, तो ये मेन गेट है इसका जो अंदर से ही दिखता है और ये बहुत बड़ा हॉल है। मेरे हिसाब से शायद उधर बैठने के लिए है, यहाँ पे मेरे दरबार लगता होगा। यहाँ पे एक महल बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत, ये वाला सबसे खूबसूरत महल लगा। ये मीटिंग हॉल है, यानी जब राजशाही यहाँ पे शासन था तो जो राजा लोग थे वो यहाँ पे बैठते थे इस जगह पे, उन लोगों के यहाँ पे मतलब कुर्सी वगैरह लगाई जाती थी। तो सामने आपको ना एंट्री गेट दिख रहा है, तो नीचे यहाँ पे प्रजा बैठती थी और यहाँ पे जो राज घराने के लोग थे वो बैठते, हाँ वो लोग मतलब इधर बैठते थे, प्रजा उनकी नीचे बैठती थी। ये मीटिंग हॉल है पैलेस का। ये वाला जो हिस्सा है ये है प्राइवेट दरबार हॉल, यानी दीवाने खास, जहाँ पे जो राज परिवार के लोग थे उन लोगों की मीटिंग होती थी,
उन लोगों का दरबार यहाँ पे लगता था। ये भी काफ़ी खूबसूरत है, जैसे जो अम्बा विलास था ना उसी की तरह ये भी है। इसके भी जो खम्भे हैं उस पर सोने की परत लगी हुई है। वाह क्या गजब के नज़ारे हैं, ये देखो ऐसे दिख रहा है जैसे फिल्मों में जो सेट दिखाए जाते हैं ना, सेम उसी के जैसा। यहाँ पे ये जो गेट है ये सिल्वर डोर है, यानी ये चांदी का गेट है। ऊपर देखो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान की प्रतिमा है। इधर एग्जिट है और मेरे हिसाब से वो वाला भी चांदी का गेट ही है। अभी हम लोग इधर गए थे ऊपर, यहाँ पे इधर चलेंगे इस एरिया में, यहाँ पे लिखा हुआ है मैसूर पैलेस रेजिडेंटल विंग, तो इस एरिया में अब हम लोग चलते हैं, इधर देखते हैं कि क्या मिलता है। हालांकि ऊपर बहुत मतलब अच्छा महल बना हुआ था और जूते चप्पल ये लोग इसलिए निकलवा देते हैं क्योंकि ऊपर ना गंदगी ना हो। इस एरिया में जाना तो अलाउ नहीं है, यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। दोस्तों अभी दोपहर का 1 बज गया है और हम लोग मैसूर पैलेस घूमने के बाद बाहर आ गए हैं। पीछे अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे मैसूर पैलेस है। इसके एंट्री गेट कई हैं, हमने जैसे आपको बताया था 3 गेट हैं, 3 तो उधर ही थे, यहाँ पे भी गेट बना हुआ है, तो हम लोग अभी इसी गेट से बाहर निकल जाएंगे। वैसे तो ये जो महल है ये हमारे भारत का सबसे शाही महल है, अंदर से तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर ही है जो कुछ देखने के लिए है, बाहर से इतना कुछ नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।